नमस्कार, स्वागत है आप सबका परीक्षा प्रेस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। आज का जो चर्चा का विषय है, चूँकि जो पिछली कक्षा में हुआ था उसी के संदर्भ में है, परिपत्र यानी सर्कुलर। सर्कुलर चूँकि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है प्रसारित करना या फैलाना। तो इस परिपत्र पर ही हमको चर्चा करनी है। बहुत सी बातें हम पिछली कक्षा में आपको बता चुके थे, अब यहाँ पर कुछ इसमें परिवर्तन, यानी कोई भी पत्र आपके हाथ में है और आपको कैसे पता चलेगा, कोई पूछे ये परिपत्र है या शासकीय पत्र है या अर्धशासकीय पत्र है, तो कैसे आप पता कर लेंगे, इसके कुछ नियम और सिद्धांत आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो परिपत्र है ये क्या होता है। ये सारी बातें तो पहले हो ही गई थी, फिर भी इसके सूक्ष्म चीज़ों को, सूक्ष्म भेदों को, इसके परिसंचरण को और प्रेषक और प्रेषिति में क्या क्या लिखा जाता है, बदलाव किया जाता है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन सर्वप्रथम हम आपको आज जो आपने भेजे हैं पत्र लिख करके, उनमें क्या कमियाँ हैं, कहाँ पर आपको सुधार करना है। आपने जो अर्धशासकीय पत्र भेजे हैं उस संदर्भ में आपको बता देते हैं। तो कौन से बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर आप लोग हमको देख रहे हैं तो आप अपना प्रेजेंटेशन बताइए कि कौन कौन से बच्चे इस समय यहाँ पर हमको देख रहे हैं, फिर हम आपके पत्रों पर चर्चा करते हैं। तो ये किसी बालक ने भेजा है, ये दिनेश कुमार जी का है, अर्धशासकीय पत्र है ये। तो अर्धशासकीय पत्र का ये प्रारूप आपने बनाया है, बहुत बढ़िया। मुहर या चिन्ह, तो जहाँ पर मुहर या चिन्ह शब्द आपने लिखा है, कोशिश करिएगा कि यहाँ पर ऐसा गोल बने, ठीक है, यानी यहाँ पर गोल बने, थोड़ा सेंटर में, यहाँ नीचे को सेंटर में रहे। नाम है, प्रेषक का पद है, तो प्रेषक का ही नाम है, उसका ही पद है, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर लिखना है। अर्ध शासकीय पत्र संख्या, तो या तो इस प्रकार से आप ऐसे कर लो, अर्ध हो जाएगा, शासकीय हो जाएगा, और आगे पत्र संख्या न लिख करके अगर पत्रांक लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। यानी पत्र संख्या लिख देंगे या पत्रांक, विभाग, अनुभाग, विषय, दिनांक, के आशय हेतु या के संदर्भ में, के परिप्रेक्ष्य में, के लिए, कुछ भी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। के आशय में, के परिप्रेक्ष्य में, के संदर्भ में आदि का प्रयोग कर सकते हैं आप। असीम जी, स्वागत है आपका, और जो भी बच्चे उपस्थित हैं इन चीज़ों को देख सकते हैं, कहाँ गलतियाँ हैं कहाँ नहीं है। प्रिय श्री महोदय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि ससम्मान, बिल्कुल सही है, थोड़ा और सेंटर में होना चाहिए। संलग्नक इसमें दो हैं। अच्छा, संलग्नक के यहाँ पर दो रूप हो सकते हैं, एक तो ये रूप है संलग्नक दो, ए से दो लिख दिया, या कई बार कैसे लिख सकते हो, संलग्नक यथोक्त, यानी जैसा ऊपर कहा गया उपर्युक्त, जो ऊपर आपने बातें कह दी हैं, समझा दी हैं, वही संलग्नक है। ऐसा भी कर सकते हैं, नंबर डाल के लिख सकते हैं, भवनिष्ठ, हस्ताक्षर और नाम, फिर प्रेषिति का श्री पद और शासकीय पता। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मेट इसी प्रकार का बनाना है, बहुत ज़्यादा आपको उसमें नहीं पढ़ना है, इसी तरीके का परीक्षा में फॉर्मेट आप बनाना है। लेकिन व्यावहारिक नॉलेज के रूप में ध्यान रखेंगे कि अगर ये पत्र किसी अशासकीय व्यक्ति को जाता तो यहाँ पर उसका पद नहीं लिखा जाता और शासकीय पता नहीं, सिर्फ पता शब्द होता। अगला है आपका ये विनायक शर्मा जी का पत्र है, पत्र लेखन, अर्धशासकीय पत्र से आप क्या समझते, प्रश्न था। तो अर्धशासकीय पत्र, पत्र लेखन का वह नियम
वह नियत सॉरी नियत प्रारूप है जिसके माध्यम से शासकीय पदाधिकारी आपस में तथा शासन से बाहर किसी अशासकीय व्यक्ति से विचार विमर्श सलाह सुझाव या वार्ता करते हैं, अर्धशासकीय पत्र कहलाता है, उदाहरण है। तो वार्ता करते हैं नहीं, वार्ता के लिए, बेटा वार्ता करते नहीं हैं, हमने आपको पत्र में वार्ता नहीं की है, वार्ता करने के लिए पत्र लिखा है। तो आप ध्यान रखिएगा शब्दों पर, विशेष गौर करिएगा कहाँ पर कॉमा लगना है, कहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, कहाँ पर क्या मात्राएं लगनी है, विशेष इसका ध्यान रखिएगा। अर्धशासकीय पत्र कहलाता है, इसका उदाहरण है कि अर्धशासकीय पत्र संख्या आगे है। अब चूंकि आप लिखे हैं मुख्य सचिव गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार, अब ऊपर लिखा है गृह मंत्रालय, अब उत्तर प्रदेश शासन, ये शब्द यहाँ नीचे आ जाएगा। अनुभाग दिनांक 15 अप्रैल 2021 लखनऊ, विषय लॉकडाउन के दौरान संबंधित जनपद में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के आशय से। बिल्कुल प्रिय श्री महोदय, उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें कि प्रदेश के 15 जनपदों में कोविड 19 के कारण 15 अप्रैल 2021 से 20 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान संबंधित जनपद में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, सुनिश्चित की जाए जा रही है या की जाए, सादर बढ़िया है, भवनी हस्ताक्षर और कखगा। सेवा में याराला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को ये पत्र लिखते हो वो आपके पत्र कितने रिस्पांसिबल होता है, जिम्मेदार होता है, जवाबदेह होता है। साथ ही साथ इसकी प्रतिलिपियां भी भेजी जा सकती हैं संज्ञान के लिए, कि किसी और को भी संज्ञान के लिए प्रतिलिपियां भी हम भेज सकते हैं। अगला आपका पत्र है दिनेश कुमार जी का अर्धशासकीय पत्र। इस प्रकार के अर्धशासकीय विशेषताएं आप लिखें, इस प्रकार के प्रश्नों पत्रों का, ये प्रश्नों क्या होता है, प्रश्नों शब्द ने, इस प्रकार के पत्रों का प्रचलन समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है। इस प्रकार के पत्रों में उत्तम पुरुष एक वचनमय शैली का प्रयोग होता है। इस प्रकार के पत्रों की भाषा मित्रतापूर्ण होती है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किसी प्रकार की पूछताछ करने, किसी तथ्य परक ध्यानाकर्षित करने अथवा कोई सूचना देने या किसी विषय पर स्पष्टीकरण करने या मांगने के संदर्भ में किया जाता है। ध्यान रखिएगा वर्तनी का विशेष महत्व है। शुरू में आपको मैंने ये बात बता दी थी कि मतलब यहाँ विशेषकर भाषा से नहीं है, यहाँ पर मतलब विशेषकर लिपि से है। लिपि पर आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। अभ्यास करें, बार बार लिखें, लेख सीधा हो, और हालांकि आप बढ़िया लिखें, आपका प्रयास प्रशंसनीय है और हम चाहते हैं कि आपके प्रयास में और भी सुधार होता चला जाए। तो संदर्भ में किया जाता है, ये पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, इसमें व्यक्तिगत पहचान का उल्लेख किया जाता है, इसका वैधानिक महत्व नहीं होता है, इसमें आवश्यकता पड़ने पर गोपनीयता बरती जाती है। गोपनीय विषयों के लिए इस प्रकार के पत्रों में नपे तुले शब्दों की अनिवार्यता नहीं होती है, या इस जगह पे आप लिख सकते हैं इस प्रकार के पत्रों की जो भाषा शैली है या जो शब्दावली है वो अनौपचारिक होती है। ये अर्धशासकीय पत्र है। पत्र तो शासकीय की श्रेणी में जा रहा है, यानी पत्र तो औपचारिक है, भाषा अनौपचारिक का प्रयोग किया जा रहा है। जितने भी पत्र किसी न किसी फॉर्मेट पे होते हैं वो सब औपचारिक की श्रेणी में ही आते हैं। अगला आपका जो पत्र है ये पीयूष पटेल जी का अर्धशासकीय पत्र। वह आलेखन है जिसे शासकीय कार्य, सहयोग, वार्ता आदि के संदर्भ में किसी अधिकारी द्वारा अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। मुख्यतया यह पत्र समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है, परिचित अधिकारियों के बीच परिचालित होता है, और यह पत्र केवल प्रेषिति ही खोल सकता है। बिल्कुल
प्रारूप आपने मुहर सही है के नाम विषय प्रिय श्री महोदय उप विषय के संबंध में निवेदन है कि अर्थशास्त्र की पद संख्या विभाग अनुभाग ये थोड़ा देखो टेढ़ा जा रहा है, सीधा बिल्कुल लेंथ में होना चाहिए। ठीक, ससम्मान संलग्नक परिस्थिति का नाम पद शासकीय पता भवनिष्ठ हस्ताक्षर, तो सही लिख रहे हैं, हल्का सा सुधार की जरूरत है। और ये मुहर कोशिश करें इसके मिड में बिल्कुल सेंटर में मुहर, जैसे ये देखो ये परीक्षा प्रश्न की मुहर लगी है ऐसे सेंटर में होना चाहिए। अगला आपका आता है ये फॉर्मेट भेजा है आसिफ हुसैन जी ने, अर्थशास्त्रीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक बिल्कुल प्रारूप है जिसमें शासकीय कार्य व्यवहार संबंध समायोजन वार्ता के साथ सहयोग वार्ता के संदर्भ में किसी पदाधिकारी से पदाधिकारी को, बिल्कुल सही है इसका प्रारूप बिल्कुल ठीक। नाम पद नाम अर्थशास्त्रीय पत्रांक विभाग अनुभाग दिनांक स्थान विषय के संदर्भ में प्रिय महोदय या महोदया, तो इस प्रकार से आप जब प्रारूप बनाए परीक्षा में एक ही बात लिखें, या तो प्रिय महोदय और या प्रिय श्री महोदया, दोनों शब्द नहीं लिख सकते हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं है। विषय के संबंध में आपसे निवेदन है, वेरी गुड। संलग्नक उपरोक्त, अगर उपरोक्त आप देखिए, अगर संलग्नक आपने उपरोक्त लिखा है फिर इसकी जरूरत नहीं है। यदि संलग्नक में आगे एक दो कुछ संख्या डाली और फिर उनके नाम नीचे लिखोगे तब तो ये सही है, लेकिन अगर लिख दिया उपरोक्त या जो ऊपर लिखित इस प्रकार की कोई शब्दावली का प्रयोग कर दिया गया तो फिर ये नीचे कोई मेंशन नहीं होगा, अर्थात संलग्नकों के बारे में ऊपर ही जानकारी है। जैसे लिख दिया जाता है आपकी सूचनार्थ निम्नलिखित ये परिपत्रों को इसमें संलग्न किया गया, ऐसा कुछ भी आप लिख देते हैं क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स इसमें दिए हैं, तो ये पहले से ही जो बात लिखी है फिर उसका यहाँ कोई प्रारूप नहीं दिया जाएगा। खैर ये आप सुधार लेंगे, लेकिन बेहतर अच्छा लिख रहे हैं, अभ्यास करेंगे और भी अच्छा आप लिखना शुरू कर लेंगे। ये पत्र लेखन जो है नवीन जी का है, नवीन कुमार जी, अर्धशासकीय पत्र प्रारूप। अब देखो बेटा अर्धशासकीय, अगर ये पत्र आपका ध्यान रखे, अगर ये पत्र अर्धशासकीय है तो ये जो मुहर इस पर विशेष ध्यान देंगे, मुहर या जो भी संकेतक चिन्ह आपका है उस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी सही है। ये जो है आपका थोड़ा और इधर खसका देना है भवनिष्ठ, ठीक, संलग्नक दो, ये सही है आपका श्री पद पता। अगला आते हैं परिभाषा, आपने लिख दी है रोहित जी, अर्थशास्त्रीय पत्र का आलेखन है, बिल्कुल सही है। और आप इस तरीके से जो लास्ट में लिख रहे हैं ये इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है, आप ऐसे बिल्कुल नोट्स यानी इसी तरीके से लगा लगा के लिखते चले जाएं, यानी इस प्रकार से डाउन नोट करते चले जाएं एक एक करके। हेडिंग्स इसलिए डाली गई थी ताकि आप उसे बेहतर समझ सकें, आपको जो फॉर्मेट बनाना है या विशेषताएं लिखनी है तो इस प्रकार इन तरीके की हेडिंग्स की आपको आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको मेंशन कर। हालांकि हेडिंग अगर डाली है तो उसे गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट अगर लिखा है वो अधिक बेहतर माना जाएगा। देखिए हम लोग चाहते हैं अधिक से अधिक बेहतर करें, बार बार अभ्यास करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी बच्चे बहुत ही बेहतर कार्य कर लेंगे। अगला एक फॉर्मेट अर्धशासकीय पत्र में, तो ध्यान रखिएगा ये जो मुहर वाला बहुत से बच्चों नहीं किया है इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। ये छोड़ दिया अपने परिसर महोदय अपने विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि ससम्मान या सादर कुछ भी लिख सकते हैं, भव निष्ठ और संलग्नक और परिस्थिति, ठीक है। ये अमनदीप जी का है, मोहर का बना हुआ है, इसका कोशिश करें ऐसे गोल बन जाए। ससम्मान भवनिष्ठ संलग्नक, देखो प्रिसिति लिख दिया आपने, क्या लिखा प्रिसिति, प्रिसिति
जब बार बार अभ्यास करेंगे तो ये आप बहुत बेहतर कर ले जाएंगे। ये गोविंद सिंह जी का है लिखा हुआ, सही है। कुछ विशेषताएं हैं तो देखो, ये जो आपने लिखा है विशेषताएं, कि यह पत्र प्रायः किसी व्यक्तिगत कार्य से लिए लिखा जाता है। देखो, कार्य तो व्यक्तिगत नहीं होता है, भाषा शैली व्यक्तिगत होती है, व्यवहार व्यक्तिगत होता है, लेकिन हमने जिस कार्य के लिए आपको पत्र लिखा है वो पत्र तो एक मित्रता के रूप में लिखा गया, व्यक्तिगत टर्म्स को उसमें उल्लेख, व्यक्तिगत टर्म के हिसाब से लिखा गया, लेकिन जिस वजह से लिखा गया था, वजह सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, जन सामान्य के लिए होती है, शासकीय क्रियान्वयन के लिए होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गोविंद सिंह जी का, बढ़िया ये मॉडल है, ठीक आपने कोई ये, लेकिन ध्यान रखिएगा संलग्न के बाद एक या दो यहां से लिखा जाए, जो ला जहां से बना वहां से, बिल्कुल यहीं से लिखने की से इतना उचित नहीं लगेगा, बढ़िया। और यहाँ के लास्ट के ये जो है ये बराबर रहें, बिल्कुल यहाँ पे नीचे ऊपर नहीं, और ये नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ये लेंथ बराबर रहे, ये लेंथ बराबर रहे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हस्ताक्षर अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। अगला है आसिम जी का, अर्धशासकीय पत्र वह आलेखन है जो शासकीय कार्य व्यवहारों विचार विमर्श सहयोग वार्ताएं बैठक के संदर्भ में विभिन्न अधिकारियों अथवा एक से अधिक एक अधिकारी द्वारा किसी अशासकीय जन सामान्य व्यक्ति, बिल्कुल बहुत सुंदर आपने लिखा है, बढ़िया दिया है, प्रेषक नाम पद विषय अर्धशासकीय पता, ध्यान ठीक, ये लेंथ बराबर है, विषय प्रिय श्री महोदय ससम्मान भवनिष्ठ संलग्नक, ठीक, परिस्थिति श्रीपद और शासकीय पता, बच्चे ध्यान रखिएगा, ये चीज़ थोड़ा यहाँ से आ जाए और ये चीज़ थोड़ा सा हल्का सा लाइन मेंटेन रहे, बार बार अभ्यास करेंगे सही आ जाएगा। हो सकता है कई बार यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाने पर हो सकता है पेज थोड़ा आगे पीछे हो जाता हो, लेकिन सही है। अगला है कृष्णा राज पुत्र जी का, आपने प्रारूप यहाँ पर अर्धशासकीय है तो मुहर पर विशेष ध्यान देंगे कि मुहर शब्द आपका जरूर होना चाहिए। ये जहाँ संलग्नक है उस लेंथ में ये थोड़ा हट करके, सही भवनिष्ठ, बड़ा सराहनीय प्रयास आप सबका है बच्चों का। अर्धशासकीय पत्र है लेके, ये अर्धशासकीय पत्र, ये क्वेश्चन आंसर का प्रयोग ना करें, प्रश्न और उत्तर लिखें, यानी क्या ध्यान रखना है आपको, देवनागरी लिपि में ही लिखना, अंकों को छोड़कर सभी चीज़ें देवनागरी लिपि में ही प्रयोग करें। समापन पत्र के प्रारंभ में संबोधन के रूप में प्रिय श्री महोदय का प्रयोग होता है, वेरी गुड, सही है। ये अर्धशासकीय पत्र का पैटर्न है, प्रारूप है, तो प्रारूप में अगर अर्धशासकीय है तो आपको क्या ध्यान रखना है, मुहर या वहाँ का चिन्ह, प्रेषक का पद विषय नाम, अर्धशासकीय पत्र दिनांक के आगे क्या करना था, स्थान, प्रिय शरीर विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि संलग्नक एक, जब संलग्नक एक अब यथोचित ये नहीं लिखा जाएगा, ये ऊपर यथोचित लिखेंगे तो एक दो नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चे, अगर हमने यथोचित ऊपर लिख दिया है तो यहाँ पर किसी नंबर डालने की जरूरत नहीं है, और नहीं यथोचित लिखा है नंबर एक दो डाला है तो यहाँ पर नीचे हम उस चीज़ को मेंशन करेंगे, ठीक है। शासकीय एक बिंदु आगे पता, हस्ताक्षर के आगे यहाँ पर आपने नहीं लगाया, अभ्यास कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको बेहतर आ जाएंगी। शासकीय और शासकीय पता, ये अशोक कुमार जी का, यहाँ पर क्या करेंगे, मुहर, ठीक, ये सही है।
चिन्ह या मुहर इस तरीके के भी बना दीजिएगा। विक्रम सिंह राजपूत जी का है, अर्धशासकीय पत्र है, तो केवल महोदय की जगह क्या लिखेंगे, प्रिय श्री महोदय। इस पर पद से पद की ओर जा रहा व्यक्तिगत भाषा शैली में। तो अब देखते हैं प्रारूप परिपत्र के बारे में, तो आपके लिए जानकारी थी, अब आप अपने इस विषय पर आइए जो परिपत्र के बारे में समझना है। परिपत्र की कक्षा पिछली कक्षा में भी थी, तो बहुत चीज़ें वहाँ से आप देखी। असीम जी, और भी कोई बच्चे उपस्थित हैं इस समय, और कौन कौन से बच्चे इस समय उपस्थित हैं, तो अगर आप हैं तो अपना नाम बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कि आप इस समय हैं। तो अब आ रही महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, जिससे आपसे कदापि गलती नहीं होगी, किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। निराहार, मनोरथ, स्वावलंबी, अचरा, विरक्त शब्दों का अर्थ बता दे सर। निराहार बेटा आपने जो पूछा है, संधियां कर लिया करो, निह प्लस आहार, तो आहार माने होता है भोजन, और निह माने नहीं, तो नहीं भोजन, तो जो भोजन ना निराहार, बिना खाए हुए, तो जो कुछ खाना नहीं खाएगा तो निराहार होगा। मनोरथ है मनः प्लस रथ, यानी मन पर सवार, मेरे मन में है, मन पर बैठा है, मेरे मन में है, मन की इच्छा है, मनोरथ है। फिर क्या हो जाएगा, स्वावलंबी, अपने आप पर निर्भर। अचरा, जो आंचल होता है, आंचल का क्षेत्रीय भाषा में अचरा शब्द आ गया, महिलाओं का पल्लू जो बच्चों का संरक्षण प्रदान करती है, उसे अचरा शब्द भी कह दिया जाता है। और विरक्त, विरक्त का मतलब होता है कि अनुरक्त, यानी जो ना जुड़ा हो। जब आप माया, मोह, धन, दौलत, घर, गृहस्थी आदि से दूरी बना लेते हैं, आदि का कोई माया मोह आप पे नहीं रह जाता है, तो विरक्त हो जाते हैं, और अगर उसमें लगे हुए हैं तो क्या है, अनुरक्त हैं, तो अनुरक्त का विरक्त होता है। और विक्रम सिंह जी राजपूत, स्वागत है आपका। और कोई बच्चे हैं यहाँ पे, तो चलते हैं परिपत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण चीजें जानने के लिए। देखो कैसे हम किसी चीज को पहचानेंगे कि परिपत्र यानी सर्कुलर क्या है। तो सर्कुलर के बारे में हमने पिछली कक्षा में बताया था, एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, यानी संचालन जहां कई जगहों पर हो, कई लोगों को जो चीज पहुंच रही हो, परिपत्र के रूप में कहा जाता है। तो क्या ध्यान रखिएगा, इसका जो बेटा उद्गम होता है, बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, जिससे आपको गलती नहीं होगी। उद्गम और यहाँ क्या होगा, ये इसका जहाँ ये पहुँचना है, जहाँ इसका प्रस्थान हो रहा है, जहाँ पर ये पत्र मिलेगा या जिन लोगों को प्राप्त होगा, यानी गंतव्य इसका क्या है, गंतव्य। अब देखो बेटा, ध्यान दो, इस प्रकार के पत्रों का उद्गम पद से भी हो सकता है, पदाधिकारी से भी हो सकता है, और कार्यालय से भी हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी जा रही है, यानी इस प्रकार के पत्रों का उद्गम पद से भी हो सकता है, पदाधिकारी से भी हो सकता है, और कार्यालय से भी हो सकता है, यानी इनमें से कहीं से भी ये पत्र निकल सकता है। और निकल करके पत्र कहाँ जाएगा, ये पत्र कहाँ पहुँचेगा, गंतव्य इसका कहाँ होगा, अब ध्यान दीजिएगा, इसका गंतव्य पद भी हो सकता है, इसका गंतव्य पदाधिकारी भी हो सकता है, ये कार्यालय को भी जा सकता है, और ये अशासकीय व्यक्ति को भी जा सकता है, यानी जनसामान्य अशासकीय व्यक्ति को भी जा सकता है। यानी इसका उद्गम चाहे पद से हो,
चाहे पदाधिकारी से हो और चाहे कार्यालय से हो, ये पत्र कहाँ कहाँ जाएगा इस चीज़ को भी आप संज्ञान में रख लो। ये पदाधिकारी को भी पद को भी जाएगा, पदाधिकारी को भी जाएगा, कार्यालय को भी जाएगा और अशासकीय व्यक्ति तक जाएगा ये पत्र। यानी इनमें से कहीं एक से निकलेगा और अनेक जगहों को जाएगा, निकलेगा एक जगह से और जाएगा अनेक जगहों से। इसलिए ये पत्र कैसा होता है, ये पत्र मल्टी डायमेंशन होगा यानी बहु आयामी। शुरुआत में बताया था कि कुछ पत्र होते हैं एक आयामी, कुछ होते हैं द्वि आयामी और कुछ होते हैं बहुआयामी। कुछ एक तरफ ही जाते हैं वन साइडर, कुछ टू साइडर होते हैं और कुछ होते हैं मल्टी साइडर, यानी मल्टी डायमेंशन कहे जा सकते हैं। तो कहीं से उद्गम हो कहीं पर जाएगा। अब बच्चे ध्यान आपको क्या रखना है, महत्वपूर्ण बात, अगर ये इसका ये प्रारूप कैसा होगा, अगर कभी कोई पूछे कि इस पत्र का प्रारूप कैसा होगा, यानी परिपत्र का प्रारूप कैसा होगा, बहुत ध्यान से बेटा देखिएगा। अगर ये पद से ये उद्गमित हुआ, अगर ये पद से उद्गमित हुआ तो इसका मतलब इसका प्रारूप शासकीय होगा। अगर ये पदाधिकारी से उद्गमित हुआ तो इसका प्रारूप अर्ध शासकीय होगा, अर्ध शासकीय होगा। अगर इसका उद्गम कार्यालय से हुआ, अगर इसका उद्गम कार्यालय से हुआ तो कार्यालय क्या होता है, कार्यालय टिप्पण, कार्यालय आदेश। तो कार्यालय टिप्पण और कार्यालय आदेश जिस प्रकार से लिखे जाते हैं इसका प्रारूप उस प्रकार से होगा, अर्थात जहां से उद्गम उसी अनुरूप प्रारूप। तो ये एक बात लिख देंगे, जहां से उद्गम उसी अनुरूप पत्र का प्रारूप, यानी जहां से पत्र का उद्गम है। अब खास क्या रखेंगे, अगर परिपत्र का उद्गम किसी पद से हुआ है तो इसका मतलब है अब वो किसी अशासकीय व्यक्ति को नहीं जा सकता। लेकिन अगर पद का उद्गम पदाधिकारी से हुआ है तब यानी अर्ध सरकारी पत्र हो गया, अब वो अशासकीय तक जा सकता है। अर्थात अगर उद्गम पद से है तो उसका पैटर्न शासकीय होगा, इस प्रकार वो अशासकीय व्यक्ति को नहीं भेजा जाएगा। यदि उसका उद्गम पदाधिकारी हुआ तो इसका पैटर्न अर्धशासकीय हो जाएगा, तब वो इनके साथ यहाँ तक चला जाएगा यानी अशासकीय व्यक्ति तक भी चला जाएगा। तो उद्गम एक और जहाँ जाना है अनेक जगहों पर जा सकता है। अब यहाँ पर एक और खास देख लीजिएगा, या तो एक पद तक जाएगा या अनेक तक जाएगा, ऐसा नहीं एक ही पद तक जाए, अनेक पदों तक जा सकता है। पदाधिकारी या एक पदाधिकारी या अनेक पदाधिकारी तक जा सकता है, कार्यालय या एक कार्यालय या अनेक कार्यालय तक जा सकता है, और व्यक्ति में एक व्यक्ति को भी जा सकता है और अनेक व्यक्ति तक भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जाएगा एक से अधिक जगहों पर, वे सारी जगह पद हो सकती हैं, वे सारे जगह का देखो, एक जगह से निकलेगा और मान लो 10 जगह जाएगा। एक उदाहरण के लिए, एक पत्र निकला एक जगह से और जाना है 10 जगहों पर, एक एग्जांपल, ये 10 जगह पद हो सकते हैं, ये 10 जगह पदाधिकारी हो सकती हैं, ये 10 जगह कार्यालय हो सकते हैं या अशासकीय हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कुछ पदों की ओर, कुछ पदाधिकारियों की ओर, कुछ कार्यालयों को, कुछ अशासकीय व्यक्तियों को। अर्थात किस प्रकार का मैटर है, परिपत्र के पीछे का उद्देश्य क्या है, इन सब की पूर्ति हो तो तदनुरूप इनका संचालन किया जाता है कि इसका मतलब क्या है, इसका जाना क्या है। तो अलग अलग रूपों में इसका प्रारूप बन जाएगा। अब अगर अगली बात आ जाती है कि इस परिपत्र की भाषा शैली कैसी होगी, देखो बेटा क्या बात आ जाती है कि इस परिपत्र की भाषा शैली कैसी होगी, भाषा और शैली।
तो भाषा शैली में दो चीजें ध्यान रखना पड़ता है। जो औपचारिक पत्र होते हैं औपचारिक पत्रों की भाषा शैली निश्चित और औपचारिक होती है, लेकिन परिपत्र की जो प्रारूप है वो अनिश्चित है। जिस रूप में जाएगा उसी रूप में बन जाना है, तो इसका प्रारूप भी अनिश्चित है और भाषा शैली भी अनिश्चित है। भाषा शैली कैसी होगी, यानी जहां से उद्गम उसी की अनुरूप भाषा। अगर इसका उद्गम पद से हुआ तो इसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग होगा, अगर पदाधिकारी किसे हुआ तो अनौपचारिक भाषा का, मित्रवत भाषा का प्रयोग कर देंगे, अगर कार्यालय से हुआ तो जिस प्रकार से टिप्पण या कार्यालय आदेश लिखे जाते हैं उस प्रकार की भाषा का रूप होगा। यानी जहां से उद्गम लेगा उसी का फॉर्मेट, उसी की भाषा, उसी की शैली का इसमें प्रयोग कर दिया जाएगा। ये बात आपके संज्ञान में आ जानी चाहिए। संचालन की अगर कोई बात करें, इस पत्र का संचालन कैसे होता है, संचालन तो आप क्या कहेंगे, एक से एक या नहीं एक से अनेक की ओर, क्या करेंगे, एक से अनेक की ओर, यानी उद्गम एक और गंतव्य अनेक। इस पत्र का उद्गम एक, ऐसे अगर कभी लिखना पड़े आपके बारे इसके बारे में तो लिखिएगा परिपत्र का उद्गम एक, ब्रैकेट में पद पदाधिकारी या कार्यालय, ब्रैकेट बंद, गंतव्य अनेक होते हैं, जो पद भी हो सकते हैं, पदाधिकारी भी हो सकते हैं, कार्यालय भी हो सकते हैं और अशासकीय व्यक्ति भी हो सकते हैं, बट वो एक से अधिक ज़्यादा जरूर होंगे। तो ये इसका एक संक्षिप्त जानकारी थी। अब देखते हैं वो ऐसे कौन, जैसे आपके हाथ में कागज है, आपके हाथ में पत्र है, कैसे पता चलेगा ये शासकीय पत्र है या अर्धशासकीय पत्र है या परिपत्र है, क्योंकि परिपत्र अगर पद से गया तो शासकीय रूप में होगा, यहाँ से गया तो अर्धशासकीय रूप में होगा, यहाँ से गया तो कार्यालय के हिसाब से होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके हाथ में जो कागज पकड़े हो परिपत्र है, तो इस बात को अब ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे पहचानोगे परिपत्र। पहले देखिए यहाँ पर कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम चलते हैं आपको ऐसी पहचान बताते हैं ताकि आप परिपत्र को आसानी से पहचान सकें। तो यहाँ से जुड़े कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, फिर हम अगली ओर चलते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को पहचान लेंगे। अब आपको हम इसकी पहचान बताते हैं, यानी ऐसे कह सकते हो कि क्या परिवर्तन होगा, यानी परिपत्र बनने में बदलाव क्या होता है। वो कौन कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कागज जो हाथ में पत्र है आपको उसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये परिपत्र है, ये ध्यान रखिएगा। और संचालन हमने आपको पिछली बार बता दिया था कि इसमें एक पत्र लिखा जाता है, उसकी उतनी ही फोटोकॉपी करा ली जाती हैं जिन जिन को भेजना है, एक फाइल में रख लिया जाता है, फाइल के ऊपर सादा कागज लगा दिया जाता है और जिन जिन लोगों को जाना है उनका नाम उस पर टाइप करा दिया जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति इस फाइल को लेता है, तत्संबंधित व्यक्ति के पास जाता है, उसे कॉपी देता है और उसे रिसीव करा लेता है और नीचे दस्तखत करा लेता है। इस प्रकार सभी पत्र बांटने के बाद में एक एक्स्ट्रा कॉपी लेता है, बनवा लेता पहले, जैसे 100 लोगों को देना 101 बना ली, तो शेष बचा हुआ जो आपका एक पत्र है प्लस जो उसके फाइल पर कागज लगा था उसको स्टेपल करके संरक्षित कर दिया जाता है। ये तब होता है जब पत्र एक ही कार्यालय के विभिन्न लोगों तक जाना हो,
अगर यही परिपथ दूर दूर लोगों को जाना है, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो वो व्यक्ति फाइल लेके हर जगह तो जाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में डाक के माध्यम से वो पत्र भेजे जाते हैं। तो डाक में जाकर के जब रजिस्ट्री करते हो, उन फिर वही लिफाफा बना लेते हो, फाइल बना लेते हो, लिफाफे में सारे वो रख देते हो, एक पेज पर सारे नाम लिखे हुए हैं, जिन जिन को भेजना है उनके आगे आप क्या करते जाओगे, रजिस्टर्ड डाक का नंबर डालते चले जाते हैं, और इस प्रकार वो सबको भेज देते हैं। एक सेस एक्स्ट्रा बची हुई जो परिपत्र की कॉपी है उसमें वो रजिस्टर्ड डाक नंबर जो लिखा हुआ पेज है स्टेपल करके उसे सुरक्षित कर देते हो, ताकि ये जानकारी रहे कि आपने इन इन लोगों को इस तारीख में भेजा था। अब देखते हैं परिपत्र में क्या बदलाव होगा, कैसे आप समझ सकते हैं ये परिपत्र है। तो ध्यान रखिएगा, परिपत्र किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम दो रूप में आपको बताएंगे। शासकीय पत्र को अगर परिपत्र बनाया जाए या अर्ध शासकीय पत्र को परिपत्र बनाया जाए, और इधर हमने लिख दिया परिपत्र। बहुत ध्यान से बेटा समझिएगा, ये पहचान आपको आपके हाथ में मौजूद कागज ये परिपत्र है या नहीं है इसके लिए सफिशियंट है। तो यहाँ पर लिखा है शासकीय पत्र, यहाँ लिखा है अर्धशासकीय पत्र, और यहाँ लिखा है परिपत्र। यानी परिपत्र अगर पद से पद की, यानी ऐसे समझ लो, शासकीय पत्र को अगर परिपत्र बनाना है तो क्या बदलाव करेंगे, अर्धशासकीय पत्र को अगर परिपत्र बनाना है तो क्या बदलाव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये पत्र शासकीय होता तो शासकीय पत्र में दिनांक की जगह आप क्या डालते हैं, प्रेषक की जगह क्या डालते हैं, या शुरुआत में दाएं साइड क्या डालते हैं, पत्र संख्या या पत्रांक। शुरू में क्या डालते हो शासकीय पत्र में, पत्र संख्या या पत्रांक। इसी पत्र संख्या या पत्रांक को अर्धशासकीय पत्र में क्या डाला जाता है, डाला जाता है अर्ध शासकीय पत्र संख्या या पत्रांक। ध्यान रो बेटा, दोनों चीजें नहीं लिखी जाती हैं, या तो लिखोगे अर्धशासकीय पत्र संख्या या लिखोगे अर्धशासकीय पत्रांक। एक एक चीज को विधिवत दिमाग में बैठा लो ताकि भ्रम की स्थिति ना बनी रहे। या तो लिखोगे पत्र संख्या या लिखोगे पत्रांक, या लिखोगे अर्धशासकीय पत्र संख्या या लिखोगे अर्धशासकीय पत्रांक। इन दो में से किसी एक चीज का प्रयोग किया जाएगा। और अगर वही परिपत्र है, अगर यही परिपत्र है तो एक ही बात इसमें क्या लिख दी जाएगी, संख्या। फिर से समझ लो, शासकीय पत्र को यदि परिपत्र का रूप देना है या किसी परिपत्र को शासकीय पत्र के फॉर्मेट में लिखना है तो पत्र संख्या या पत्रांक के जगह पर सिर्फ और सिर्फ संख्या लिखा जाएगा। इसी प्रकार यदि अर्धशासकीय पत्र के फॉर्मेट को परिपत्र का रूप देना है तो अर्धशासकीय पत्र संख्या या पत्रांक की जगह सिर्फ संख्या शब्द लिख दिया जाएगा। तो जैसे आपने देखा साइड में संख्या सब लिखा है दाई साइड में दाएं तरफ, तो समझ लो ये परिपत्र है। तो पहला और महत्वपूर्ण ये बदलाव किया जाएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है पत्रांक। अब जब विषय लिखा जाता, सब्जेक्ट लिखा जाता है विषय, तो जब भी आप पुराने आपके पास पत्र रखा है, यानी शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप आपके पास मौजूद है, देखिएगा उसके प्रारूप में जो कुछ भी लिखते हैं बाद में क्या लिखते हैं, के संदर्भ में। इसके बाद में जो कुछ भी लिखने के बाद में क्या लिखा जाता है, के संदर्भ में या के परिप्रेक्ष्य में या के लिए, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब अगर इसे परिपत्र बनाना है तो के संदर्भ में परिपत्र,
के संदर्भ में परिपत्र। ध्यान दीजिएगा, यदि शासकीय पत्र होगा तो विषय जो भी आपने डाला कि लॉकडाउन के संदर्भ में या निःशुल्क पुस्तक वितरण के संदर्भ में या जो भी ऐसी चीज़ें हैं के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ दी गई है, वो चीज़ क्या जोड़ दी गई है, के संदर्भ में परिपत्र। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो जो आपके हाथ में पत्र है वो क्या है, वो परिपत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगली चीज़ें आती हैं कि इसमें जो प्रेषिति होगा, प्रेषिति जिस प्रेषिति को ये पत्र भेजा जाना है, प्रेषिति यहाँ पर क्या परिवर्तन करेंगे। जब भी हम कुछ भी किसी के लिए भेजते हैं तो आप क्या लिखते हो, सेवा में, सेवा में यहाँ कॉमा लगा देते हो। अब सेवा में किसको भेजा जा रहा है, ये पत्र किसको भेजा जा रहा है। अब हो सकता है पत्र जा रहा है जिलाधिकारी, जिलाधिकारी लिखने के बाद कॉमा, फिर क्या लिखना है, लखनऊ, और चाहे आगे क्या लिखना है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पूर्ण विराम, यहाँ कॉमा और पूर्ण विराम। तो सेवा में जिलाधिकारी लखनऊ। अब ये शासकीय अर्धशासकीय पत्र है, लेकिन ये परिपत्र है तो परिपत्र का मतलब किसी एक व्यक्ति को तो जा नहीं सकता। अगर ये परिपत्र होता तो प्रेषिति की जगह किसी जिलाधिकारी लखनऊ या जिलाधिकारी आपका गोंडा या जिलाधिकारी बहराइच, जिलाधिकारी आगरा, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। किन किन जिलों में भेजना, किन किन जगहों भेजना, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, जिलाधिकारी लखनऊ, आगरा, मेरठ या जिन जिन जिलों तक जाना है, तो क्या एक आपका हो जाता है, जिलाधिकारी लखनऊ, आगरा, मेरठ। अर्थात जिला के अधिकारी के नीचे अगर एक से अधिक जिला लिखे हुए हैं तो ये परिपत्र है। फिर से समझ लो, प्रेषिति की जगह पर जिलाधिकारी लिखा है या प्रधानाचार्य लिखा है या जो भी किसी भी पदाधिकारी का नाम लिखा है या पद लिखा हुआ है, और उसके नीचे अगर एक जिला, एक गांव, एक शहर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये पत्र परिपत्र नहीं है। अगर एक से अधिक लोगों को लिखा है तो ये स्थिति होगी। या इसका एक और तरीका हो सकता है कि लखनऊ, आगरा, मेरठ ऐसे न लिखना हो तो दूसरा तरीका क्या लिखेंगे। अब मान लिया हो सकता है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, यानी यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में भेजना है। कितने जिला हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है वर्तमान में, बताओ बेटा, आसिम जी और विक्रम सिंह जी राजपूत, कितने जिले हैं, तो आपको अगर सबको भेजना है, जिलाधिकारी समस्त जनपद, तो क्या लिखते हैं, जिलाधिकारी समस्त जनपद, यानी इसका मतलब है 75 जिलों को जाना है। अब अगर ये जिलाधिकारी ना होता, मान लेते यहां पे आपको लिखना है प्रधानाचार्य। अब प्रधानाचार्य हो सकता है दो तीन प्रधानाचार्य तक जाना हो, 6-7 प्रधानाचार्य तक जाना हो, गुड 75। तो लेकिन हो सकता है उत्तर प्रदेश में जितने भी राजकीय विद्यालय हैं सब में जाना हो, तो प्रधानाचार्य यहाँ क्या लिखना है, समस्त राजकीय विद्यालय उत्तर प्रदेश। समस्त राजकीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, ऐसे लिख सकते हो। देखो, यदि यह परिपत्र जाहिर सी बात एक से ज्यादा जगहों पर जाना है तो हो सकता है पांच जिलों में भेजना है या 5 राजकीय कॉलेजों में भेजना है तो उनके नाम लिख दो। हो सकता है जितने भी जिला हो या जितने भी राजकीय विद्यालय हो सबको जाना है तो फिर लिख लो समस्त। अब एक और प्रश्न आएगा, हो सकता है या पर्टिकुलर किसी एक विद्यालय को जाना है,
पर्टिकुलर किसी एक जिलाधिकारी को जाना है, पर्टिकुलर किसी एक कार्यालय को जाना है, यानी हमें 10 परिपत्र, ऐसे परिपत्र लिखा है जो 10 जगह केवल भेजना है। शासन के अनुसार एक जो परिपत्र है वो 10 जगहों पर जाना है, जिसमें से एक राजकीय विद्यालय है, एक मान लेते हैं विश्वविद्यालय है, एक कृषि विभाग का कार्यालय है, एक जिले का जिलाधिकारी है, एक तहसील का तहसीलदार है। तो ऐसी स्थिति में हम 5 अलग अलग नाम मेंशन करेंगे, पद मेंशन करेंगे, अर्थात इसमें प्रेषिति का कालम बहुत लंबा भी हो सकता है। समस्त एक जैसी स्थिति में समस्त है, लेकिन अगर हमें अलग अलग कार्यालय में अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों के विभाग को देना है, तब तो समस्त नहीं लिख सकते हो। कुछ जिलों में देना, कुछ तहसीलों में देना, कुछ सरकारी स्कूलों में देना, कुछ अन्य विभागों में देना। तो इस प्रकार से इनके ये सारे रूप हो सकते हैं। अब इसी को आगे समझाया गया है, जरा उस पर देखिएगा कैसे समझेंगे आप। परिपत्र सर्कुलर बदलने में क्या बदलाव होता है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर यह परिपत्र जो है सर्कुलर है, ये शासकीय पत्र लिखा है, अर्धशासकीय पत्र लिखा है और ये परिपत्र लिखा है। अगर ये शासकीय पत्र है तो क्या शासकीय ये पत्र संख्या या पत्रांक लिखा जाता है, यह अर्धशासकीय पत्र संख्या या अर्धशासकीय पत्रांक लिखा जाता है, लेकिन परिपत्र में सिर्फ और सिर्फ संख्या का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये आपके हाथ में जो लेटर है वो परिपत्र है। विषय के संदर्भ में केवल उसमें इतना लिखना पड़ता है, इसमें एक और शब्द बढ़ा दिया जाता है, विषय के संदर्भ में परिपत्र। अब देखते हैं प्रेषिति। सेवा में जिलाधिकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये कॉमन हो गया। एक किसी देखिए, अगर ये शासकीय पत्र होता तो मान लेते इस तरीके से लिखा जाता। अब यही अगर परिपत्र है तो आगे पैटर्न देखिएगा क्या आ गया इसमें, जो अभी आपको समझाया था वही बात आ गई। आ गए परिपत्र में, सेवा में जिलाधिकारी लखनऊ, आगरा, मेरठ, कानपुर, झांसी, यानी 5, 6, 10 जहां जहां आपको भेजना है, या अगर ऐसा नहीं तो या जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, यहां कॉमा, यहां कॉमा और यहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया, या अलग अलग विभागों के नाम लिखने हैं। बहुत ढंग से बेटा समझ लो, कहीं आप भ्रमित ना हो जाइएगा। यानी परिपत्र में प्रेषिति की जगह, बस ये ध्यान रखना है कि ये परिपत्र किसे जाना है। कई बार ये सेवा में एक कई लाइन हो सकता है, राजकीय विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ, जैसे आपने लिखा राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ, यानी एक पत्र इनको भेजना था और वही सेम सूचना, सेम जानकारी। अब ये किसी विश्वविद्यालय को भेजना था तो यहां क्या, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को भेजना था। अब यही सेम सूचना जिलाधिकारी को देना था, जिलाधिकारी कानपुर, यही सेम सूचना कृषि विभाग के किसी अधिकारी को देना था। तो अगर ये सूचनाएं अलग अलग लोगों को जानी है तो अलग अलग नाम से मेंशन किया जाएगा। ऐसे कितने भी पैटर्न, कितने भी नाम हो सकते हैं। अतः परिपत्र में प्रेषिति का कालम लंबा हो सकता है। सेम डिपार्टमेंट को यदि सूचनाएं देनी है तो समस्त लिख के काम चल जाएगा। 10-5 लोगों को सूचनाएं देनी है तो 10-5 जिले या 10-5 स्कूल या 10-5 कार्यालयों का नाम लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर हर विभाग अलग अलग है, क्योंकि जो सरकारी मिशनरी है एक जटिल प्रक्रिया है, प्रशासन की प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया है, कई विभाग होते हैं, कई उप विभाग होते हैं, कितने प्रकार के कर्मचारी होते हैं,
सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, और अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की सूचनाएं भेजी जाती हैं, अतः ये क्रम उनके अलग अलग रूपों में रहता है। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर करनी थी, वो सोच लीजिएगा, कई बार नीचे अगर आगे कहीं लिखा होगा, कई बार ये लिखा होता है कि प्रतिलिपि निम्न लोगों को प्रेषित, या प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित लोगों को इस संदर्भ में दी गई हैं, उस पर भी एक ध्यान आपको रखना है, वो भी आगे चल के बताएंगे। अब देखते हैं परिपत्र का ड्राफ्ट प्रारूप। आप जो परिपत्र का प्रारूप बनाइएगा तो आपको सिर्फ यही लिखना है कि परिपत्र शासकीय पत्र पर आधारित या अर्धशासकीय पत्र पर आधारित, यानी परिपत्र शासकीय पत्र पर आधारित या परिपत्र अर्धशासकीय पत्र पर आधारित। तो ये देखिए, ये शासकीय पत्र पर आधारित है, इसका जो ड्राफ्ट है, जो नमूना है, प्रेषक उसका नाम, पद, शासकीय पता, सेवा में समस्त पद, सेवा में देखो क्या आ गया, समस्त पद। आपको प्रारूप, देखो व्यावहारिक रूप से कुछ बातें समझनी थी, वो आपको बताइए, ताकि आपके संज्ञान में ये जरूर होना चाहिए कि परिपत्र क्या है, इसका प्रारूप क्या है, और अलग अलग विभागों को या एक जैसे विभागों को भेजने में क्या परिवर्तन होता है। लेकिन परीक्षा भवन में आपको एग्जामिनेशन में यदि परिपत्र का प्रारूप देना है तो आप ऐसा बनाएंगे जैसा आपके सामने उपस्थित है। मैं दो परिपत्र आपको दिखाऊंगा, इन दोनों में से कोई एक, चाहे इस पर बना लेना और चाहे दूसरे बना लेना। तो यहां पर एक शब्द अलग जोड़ दिया गया, समस्त पद। पहली चीज देखिएगा, यहां पर आ गए, यहां आ गए संख्या। अन्य जगहों पे संख्या की जगह क्या लिखा था, पत्र संख्या या पत्रांक लिखा था, या अर्धशासकीय पत्र संख्या पत्रांक लिखा था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ संख्या। यहीं से बात सिद्ध होती है कि ये जो फॉर्मेट है वो परिपत्र का है। फिर सेवा में समस्त पद और शासकीय, यहां पर आ गया समस्त पद, ये दूसरा है जहां से सिद्ध होता है कि परिपत्र है। के संदर्भ में परिपत्र, ये तीसरी पहचान है, इसका मतलब ये परिपत्र है। संलग्न वाक्य से बचे, प्रतिलिपि निम्न को सूचना से आवश्यक कार्रवाई हो प्रेषित। अब इस पर विशेष ध्यान दे लीजिएगा, अगर आपके मन में आए कि प्रतिलिपियां हम ऐसे भेज दें, एक होता है एक पत्र आपने लिखा, उसकी आपने फोटोकॉपी करा ली और जिन जिन को भेजना था वहां भेज दिया, ये प्रतिलिपि भी उसी हिसाब से भेजी जाती है। अब ध्यान ये रखना है कि परिपत्र के फॉर्मेट में ये चीज आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि प्रतिलिपि क्या होता है और परिपत्र क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को ये लेटर लिखा गया, जिनके यहां पर नाम और पद है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कोई परिपत्र मैंने आपको भेजा या पत्र भेजा, शासकीय अर्थ कुछ भी भेजा, तो जो चीज इस ए व्यक्ति ने इस बी व्यक्ति को भेजी या बी व्यक्ति, इसके लिए क्या है, पूर्णतया रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये लिख देता है कि प्रतिलिपि अन्य को भी भेज दी गई है। जैसे आपने किसी एसएसपी को कोई पत्र लिखा, कानून व्यवस्था के लिए, लाइन ऑर्डर के लिए कोई चीज आपने भेजी, एसएसपी को पत्र दिया, और साथ ही में आपने यहां क्या कह दिया कि प्रतिलिपियां निम्न को सूचनार्थ प्रेषित की गई। अब किसी थाना प्रमुख को दी गई है, किसी तहसील वाले को दे दी गई है, या लाइन ऑर्डर से जुड़े, कानून व्यवस्था से जुड़े जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं उनको भी। तो प्रतिलिपियां जिनको दी जाती हैं ये जिम्मेदार नहीं होते हैं, सिर्फ ये जिम्मेदार होते हैं। ये केवल इनकी सूचनार्थ दे दी जाती है कि आपको भी पता चल जाए। जैसे अब आप समझ लो, अपनी पर्सनल भाषा में, आपके यहां कोई शादी ब्याह का आयोजन है,
पर्टिकुलर एक दुकानदार को आप लिस्ट दे के आए हैं और कुछ एडवांस पैसा दे के आए हैं कि फला तारीख को ये सामान आप हमारे यहाँ भिजवा देंगे, राइट। अब कोई दूसरी दुकान थी उसके भी पास आप वो दे आए हैं चिट्ठी और उसमें भी लिखा है कि हमें ये सामान की आवश्यकता है और हम इस तारीख को ले सकते हैं। आप कहते देखो व्यवस्था तो हमने कहीं कर रखी है, एक जगह बात हुई है, यदि वहाँ बात ना बनी तो हम आपके यहाँ से उठा लेंगे। अब जहाँ पर आपने एडवांस दिया था वो व्यक्ति रिस्पांसिबल है कि तत्संबंधित तारीख को तत्संबंधित वस्तुएं पहुँचानी ही पड़ेंगी, अन्यथा आपके ऊपर क्लेम कर दिया जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। लेकिन जहाँ के सूचनार्थ था उसके पास सामान मिले या न मिले, पहुँचाए या न पहुँचाए, वो रिस्पांसिबल नहीं है। उसको ये जानकारी है कि पर्टिकुलर बंदे के यहाँ शादी है और उनको ये सामान की जरूरत पड़ सकती है। ये होता है प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, लेकिन ये जिम्मेदार है जहां पर ये इनका प्रेषित कहिए, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार नहीं है, जानकारी इनको भी है। तो परिपत्र या कोई भी पत्र जिस पद के पास, जिस व्यक्ति के पास नॉमिनेट होकर के जाता है वो उसके लिए रिस्पांसिबल है, लेकिन उसी पत्र की, परिपत्र की, अर्थशास्त्रीय पत्र की प्रतियां यदि किसी को सिर्फ और सिर्फ सूचनार्थ भेज दी जाती हैं उसके संज्ञान में रखने के लिए कि वो भी जाने हम ये करे हैं या इन इनको बात कहे हैं। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार को हमें एडवांस दिया, लिस्ट भी दिया, दूसरे दुकानदार लिस्ट तो दी, एडवांस कुछ नहीं दिया, उसको बताया है कि यार उनको भी हमने जो है लिस्ट दिया है, एडवांस भी दिया है और उनको ये चीज़ें फला तारीख को पहुँचानी है, ताकि अगर आगे कोई बात हुए तो ये दुकानदार कह सके कि हाँ ये हमको बताया था इन्होंने। तो इसी ये अंतर होता है कि किसी को ये प्रतियाँ भेजी जाती हैं। अगला और प्रारूप देख लेते हैं, ये अर्धशासकीय प्रारूप पर पैटर्न पर आधारित है। तो इसकी सबसे पहले पहचान क्या थी कि बीच में मुहर या चिन्ह जरूर होनी चाहिए, पद कार्यालय जहाँ से भी ये निकलता है वहाँ का एक सिंबल इस पर होता है। यहाँ पर पद और नाम, यहाँ पर संलग्नक में यथोपरि। अब देखो यहाँ संलग्नक यथोपरि है और इधर यथोपरि संलग्नक नहीं, इसलिए नंबर पड़ा हुआ है। तो या तो ये सिस्टम रखोगे और या सिस्टम, दोनों ने यहाँ पर यथोपरि कर दो, नीचे वो भी लिख दो, ऐसा नहीं करेंगे आप। भवनिष्ठ हस्ताक्षर और यहाँ पर आ गया उसका नाम। परिपत्र संख्या, अब यहाँ देखिए ये शब्द आया बेटा संख्या। अगर ये अर्धशासकीय पत्र होता तो यहाँ क्या लिखा जाता, यहाँ लिखा जाता अर्धशासकीय पत्र और संख्या, लेकिन यहाँ सिर्फ ये न लिख करके केवल ये लिखा गया संख्या और परिपत्र ये लिख दिया गया। और यहाँ पर जो प्रस्ति है यहाँ शब्द आ गया समस्त पद, समस्त पद या समस्त पदाधिकारी जो भी शब्द। तो ध्यान रखेंगे मूल रूप से तीन बातों पर ध्यान रखिएगा परिपत्र जानने के लिए। सबसे पहले दाएं हाथ पर केवल और केवल संख्या लिखा होता है, जहां पर विषय लिखा जाता है विषय के अंत में एक परिपत्र शब्द लिख दिया जाता है, और जहां प्रेषिति है, जहां भेजा जाना है, वहां समस्त पद लिख दिया जाता है। ये तीन बड़ी बड़ी पहचान है जो आपको परिपत्र के बारे में ज्ञान कराएगी। यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। तो तीन बातें क्या आपको निकली हैं जो पहचान कराने के महत्वपूर्ण। पहली बात निकली है कि दाएं साइड पे सिर्फ और सिर्फ संख्या लिखा जाएगा। दूसरी बात समझ में आई, विषय के अंत में परिपत्र लिखा होगा, विषय के अंत में परिपत्र लिखा होगा। तीसरी बात समझ में आई कि जो प्रेषिति है, प्रेषिति की जगह समस्त पद लिखा होगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा,
जो आपको पीछे बताया गया वो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बताया गया, यथोपरि बता दें सर जी। बिल्कुल बेटा आसिम जी, ध्यान रखिएगा, या तो यथोपरि लिखोगे और या तो संलग्नक में एक दो ऐसे डालोगे, एक है दो है तीन है जो भी, या तो इसकी जगह यथोपरि और या तो ये दो, ये या तो इस प्रकार का रूप रखेंगे या इस प्रकार का रूप रखेंगे, दोनों रूप नहीं रखेंगे, कि यथोपरि भी लिख दें और नीचे 1 2 3 4 भी डाल दें, ठीक है। तो परिपत्र के संदर्भ में कोई भी कागज कोई भी पत्र आपके हाथ में है, यह अर्ध सरकारी पत्र है या सरकारी पत्र है या परिपत्र है, तो परिपत्र की निशानी आपको बताई गई कि यदि आपके हाथ में जो कागज है जो पत्र है यदि वो परिपत्र हुआ तो सबसे पहले नज़र यहाँ डालिएगा, फिर नज़र यहाँ डालिएगा, फिर नज़र यहाँ डालिएगा। पहली बात यहीं से क्लियर हो जाएगा, ये तीनों चीज़ें विशेष ध्यान करके आपको फॉर्मेट पर बनानी है। तो देखो बेटा, आप लोगों को जो प्रश्न दिया जाएगा परिपत्र का फॉर्मेट बनाना, तो आप परिपत्र का फॉर्मेट जो है इस शासकीय पत्र के रूप में बनाइएगा, यानी परिपत्र का फॉर्मेट आप शासकीय रूप में बनाइएगा। लेकिन ये सिर्फ आपकी जानकारी थी, इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी निम्नलिखित प्रतिलिप निम्न को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित और आज्ञा से, ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, सिर्फ संलग्नक चाहे यथोपरि चाहे इस तरीके से और भवदी ये सर इतने लिखेंगे, ठीक है। तो इस पर बनाएंगे या इस पर बनाएंगे, देखो इस पे वहाँ वो प्रतिलिपि जैसा नहीं लिखा, तो आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ऊपर ये मेंशन कर दीजिएगा कि जो परिपत्र है वो शासकीय पत्र के आधार पर आप पैटर्न बना रहे हैं या अर्धशासकीय के आधार पर बना रहे हैं। तो यहाँ तक की बात बच्चे आपको समझ में आई, तो परिपत्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी उपयोगिताएं क्या हैं, उसका संचालन किस प्रकार से होता है, उसका उद्गम कहाँ है और गंतव्य कहाँ है, कैसी भाषा शैली का प्रयोग करेंगे और क्यों परिपत्र लिखा गया कि एक जैसी बातें अनेक लोगों को प्रेषित, ताकि समय बचे, श्रम बचे और संसाधन बचे, यानी कम लागत में कम समय में अधिकतम लोगों के पास आपके द्वारा भेजी गई सूचनाएं प्राप्त हो जाएं, ये परिपत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। आज की क्लास को यहीं संपन्न करते हैं, कल फिर हमारी मुलाकात होगी और कल हम अगले किसी औपचारिक लेटर की तरफ चलेंगे कि औपचारिक पत्र में अभी कई बाकी हैं, जैसे अभी आपका टिप्पण बाकी है, शासकीय आदेश बाकी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, एक रिमाइंडर है यानी जिसको अनुस्मारक कहते हैं, क्यों लिखा जाता है, इन सब पर क्रमशः चर्चा होती रहेगी। तो कल हम आपसे अगले पत्र के बारे में चर्चा करेंगे और आप लगातार अभ्यास करते रहिए, पत्र लिखना या पत्र का प्रारूप बनाना कठिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास की ज़रूरत है। ध्यान रखेंगे आपका जो लेख है यानी जो राइटिंग है वो पठनीय होनी चाहिए और वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। जब परीक्षक आपकी इस कॉपी को चेक करेगा तो उसकी सबसे पहली नज़र शब्द संकलन, शब्दों की वर्तनी पर जाएगी और आपके द्वारा दिए गए फॉर्मेट पर जाएगी और आपके द्वारा दिए गए उत्तरों पर जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।